हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीकेसी स्टडी पॉइंट। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जियो टेक्निकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड दैट्स क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यूनिवर्सिटी इन 2019-20, एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग टू यूनिट नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपका अगर ये वाला क्वेश्चन आप कर लिया आप लोगों ने, तो आपका सेकेंड यूनिट से मोस्ट ऑफ द डाउट आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। एंड दिस वन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया है, दैट्स बिलोंग्स टू द कैपिलरी राइज, दैट्स क्रिएट अ प्रॉब्लम टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। सो दैट्स वाई यहाँ पर इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कैपिलरी राइज आने से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यहाँ पर डाउट भी रहता है कि सर इसके साथ हमें कैसे डील करना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना, एंड वट इज़ द रोल ऑफ कैपिलरी राइज इन दिस एंड हाउ टू डील विद इट, उस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज द ग्रेनुलर सोइल डिपॉजिट इज 7 मीटर डीप ओवर एन इम्परमेबल लेयर। तो आपकी क्या है, एक दिस वन इज कॉल्ड इम्परमेबल लेयर, उसके ऊपर हमारे पास क्या है, 7 मीटर की आपकी एक लेयर है, यू कैन से ग्रेनुलर सोइल, एंड द ग्राउंड वाटर 4 मीटर बिलो द ग्राउंड सर्फेस। दिस वन इज द ग्राउंड सर्फेस, ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड सर्फेस है। उससे 4 मीटर की गैप पर, दिस वन इज द 4 मीटर, यहाँ पर क्या है, हमारा वाटर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है। दिस वन इज द सिंबल ऑफ वाटर टेबल। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में जो ये वाला स्टेटमेंट जो मैं बोलने जा रहा हूँ, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसने क्या बोला है, डिपॉजिट हैज़ अ जोन ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ 1.2 मीटर। यहाँ पर क्या है, उसके ऊपर आपका 1.2 मीटर का कैपिलरी राइज है। देखो, कैपिलरी राइज क्या होता है, वाटर का इफेक्ट हमारा जो ड्राई पोर्शन में, उसमें कुछ इफेक्ट उसका पहुँच जाना, और वो कितना उसको सैचुरेट कर रहा है, उस सोइल को कंप्लीटली सैचुरेट नहीं कर रहा है, कितना सैचुरेट कर रहा है, 50%। देखो, यहाँ पर एक सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि कैपिलरी आपका राइज हो रहा है, एंड सेकेंडली दिस कैपिलरी राइज क्रिएट ओनली 50% सैचुरेशन ओनली। सो यहाँ पर आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है 50% की वजह से थोड़ा सा और चेंज हो गया है, थोड़ा सा और क्वेश्चन आपका अगर इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस बोल रहा हूँ तो बहुत इंक्रीज हो गई है इस वाले क्वेश्चन की। एंड आफ्टर डैट बोल रहा है, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेस, पो वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस विद द डेप्थ ऑफ डिपॉजिट, एंड गिवन वैल्यू ई दैट इज वॉइड रेशियो दैट इज 0.6 एंड जी इज इक्वल्स टू 2.65। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, आप देख पा रहे होंगे। अब देखो, मैंने क्या बोला है, आफ्टर व्हेन यू रीड आउट द लैंग्वेज यू ट्राई टू ड्रॉ द फिगर ड्यू टू द लैंग्वेज। अब अगर आपने डायग्राम थोड़ा सा भी ड्रॉ करने की कोशिश करी है, यू नो दैट मीन्स 20-30% वर्क इज कम्प्लीट ऑफ दिस क्वेश्चन इफ यू ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन के साथ साथ अगर मैं देखो एक बार फिर रिपीट करके डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, हमारे पास क्या है, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 7 मीटर की एक आपकी ग्रेनुलर सोइल डिपॉजिट लेयर है, एंड जो कि कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, एक इम्परमेबल लेयर पर एग्जिस्ट कर रही है। एंड ग्राउंड, देखो दिस इज द ग्राउंड सर्फेस, ये जो सिंबल होता है आपका किसका सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ द ग्राउंड सर्फेस। उसके 4 मीटर के गैप पर क्या है, हमारे पास ग्राउंड वाटर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, एंड आफ्टर दैट कैपिलरी राइज है, कितने का, 1.2 मीटर का कैपिलरी राइज है, जो कितना सैचुरेट कर रहा है इस वाली सोइल को, 50% तक ही उसको सैचुरेट कर रहा है, 50% तक ही उसको सैचुरेट कर रहा है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, देखो टोटल स्ट्रेस, पो वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए हमें जो भी वेरिएशन है उसको हमें डिफाइन करना है। सो देखो, दैट्स बिलोंग्स टू यूनिट नंबर 2। देखो, यूनिट नंबर 2 में आपका इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर, इनके आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, इनको कैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं इनके लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो अपर पोर्शन आप देख पा रहे हैं, दैट इज एक्चुअली ड्राई पोर्शन। ये हमारे पास क्या होगा, ड्राई पोर्शन, दिस इज पार्शियली सैचुरेटेड पोर्शन। देखो, यहाँ पर सैचुरेशन कंप्लीट नहीं है, कितना है, 50% सैचुरेशन ओनली। एंड अगर मैं इसकी बात करता हूँ, दिस वन इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड पोर्शन। तो यहाँ पर जो आपकी यू कैन से डेंसिटी जो होगी यहाँ पर, दैट इज गामा डी। कितनी डेंसिटी होगी यहाँ पर, गामा डी। यहाँ पर जो डेंसिटी होगी, दैट इज यू कैन राइट डाउन गामा टी और से गामा सैचुरेटेड। देखो, यहाँ पर अगर सैचुरेशन कम्प्लीट सैचुरेटेड होगा तो उसको हम गामा सैचुरेटेड बोलते हैं, बट यहाँ पर कम्प्लीटली सैचुरेटेड नहीं है। यहाँ पर सैचुरेशन कितना है, ओनली 50%। सो दैट्स वाई दिस वन इज नॉट द कम्प्लीट सैचुरेशन, एंड यहाँ पर जो आपका गामा होगा वो क्या होगा, गामा सैचुरेटेड होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पहले हम ये वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे गामा डी। गामा डी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, दैट इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। एंड देखो, मैंने यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन है,
टन पर मीटर के टर्म्स में यूज़ करा है, एंड जो गामा डब्ल्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज़ करी है दैट इज़ इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सीसी। तो हो सकता है जहाँ से आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं या फिर कहीं से आप, बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन में गामा डब्ल्यू को 9.81 kN/m³ से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन गलत नहीं होगा। यू ऑल्सो गोट द करेक्ट आंसर, बट योर आंसर विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, राइट? टू कन्फ्यूज मत होना, यू कैन यूज 9.81 kN/m³, बट आपके आंसर फिर जो आने वाले हैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वो kN/m² में आएंगे। मैं यहाँ पर आपका गामा डब्ल्यू किस में यूज़ करूँगा, 1 ग्राम पर सीसी, बट आपके आंसर जो आएंगे वो किस में आने वाले हैं, वो टन पर मीटर स्क्वायर में आप लोग के आंसर आएंगे। चलो अब देखो यहाँ पर गामा डी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है, जी गामा डब्ल्यू। ए बी पोर्शन के लिए हमारे पास कैस क्या होगा, ड्राई सोइल है, गामा डी यूज़ करेंगे, विच वैल्यू इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E, दैट इज इक्वल टू 2.65, दैट इज द वैल्यू ऑफ जी, एंड डी की वैल्यू भी गिवन है 0.6। तो यू सिंप्लीफाई दिस, तो यू गोट द गामा डी वैल्यू इज इक्वल टू 1.656 ग्राम पर सीसी में निकल कर आएगा ये। चलो अब हम गामा टी निकाल लेते हैं, दैट मीन्स ये जो आपका कैपिलरी राइज पोर्शन है, यहाँ पर गामा एक सैचुरेटेड है बट कम्प्लीटली सैचुरेटेड नहीं, तो यहाँ पर गामा टी एग्जिस्ट करेगा। तो गामा टी का फॉर्मूला क्या होता है, गामा टी इज इक्वल टू जी प्लस ई एस अपॉन 1+E इंटू गामा डब्ल्यू। तो जी की वैल्यू हमारे पास है, ई की वैल्यू है, सैचुरेशन कितना है 50% है, 0.5 यूज़ करेंगे, एंड ई की वैल्यू आपके पास 0.6 है। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे यू गोट दिस आंसर 1.843 ग्राम पर सीसी। सो ये हम किसके लिए, कौन से पोर्शन की बात हो रही है, बीसी पोर्शन के लिए हमारे पास जो गामा यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ दिस। अब बात करते हैं सीडी पोर्शन के लिए। अब देखो सीडी पोर्शन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दैट इज़ द सीडी पोर्शन एक्चुअली। तो सीडी पोर्शन में जो हम गामा की वैल्यू यूज़ करेंगे दैट इज़ गामा सैचुरेटेड, एंड गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला कितना होता है, जी प्लस ई अपॉन 1+E इंटू गामा डब्ल्यू, 2.65 प्लस 0.6 अपॉन 1+0.6। ये हमने सिंप्लीफाई किया, वी गोट दिस आंसर 2.031 ग्राम पर सीसी। तो यहां तक अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, अभी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे टू कैलकुलेट टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर। अभी हमने बस उनकी जो डेंसिटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन की उनको कैलकुलेट कर लिया है। चलो अब देखो हम बात करते हैं आगे पोर्शन ए। आप यहां पर देख पा रहे होंगे एट जेड इज इक्वल, देखो हमने कहां से स्टार्ट किया है, इस वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हैं, और यहां पर क्या है, जेड की वैल्यू इनिशियल पॉइंट पर जीरो होगी। तो एट जब जेड इज इक्वल टू जीरो होगा तो वहां पर टोटल स्ट्रेस भी जीरो होगी, यहां पर पोर वाटर प्रेशर भी जीरो होगा, और यहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस भी जीरो होगी। देखो टोटल स्ट्रेस कंसीडर करती है द इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वहाँ पर वाटर है या फिर आपका, अगर देखो कंप्लीट वाटर है तो वाटर का इफेक्ट वो कंसीडर करेगी, अगर आपकी सोइल है तो वो उसके सैचुरेटेड पोर्शन के इफेक्ट को कंसीडर करेगी, या फिर गामा टी है तो गामा टी के इफेक्ट को कंसीडर करेगी, तो वो कंप्लीट इफेक्ट कंसीडर करती है। इफ आई टॉकिंग अबाउट यू, यू क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर इज कंसीडर द इफेक्ट ऑफ ओनली एंड ओनली वाटर, वो वाटर के इफेक्ट को ही कंसीडर करता है। बट इफ आई टॉक अबाउट सिग्मा बार आपका ये फॉर्मूला होता है, सिग्मा बार इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, सिग्मा माइनस यू इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो आपने देख तो लिया ए पोर्शन पर इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी अगर स्टार्टिंग करते हैं ए पोर्शन से तो जेड इज इक्वल टू जीरो होगा, वहां पर सिग्मा भी जीरो होगा, यू भी जीरो होगा, सिग्मा बार भी वहां पर जीरो होगा, राइट? देखो अगर आप लोगों का कोई भी ऐसा इस टाइप का कोई डाउट है, जियोटेक या स्ट्रक्चर या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, और मैं उस पर वीडियो साथ के साथ ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा। डोंट वरी, देखो आप लोगों का पेपर अच्छा जाना चाहिए, उसके लिए मुझे चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? चलो अब हम बात करते हैं एट बी। देखो बी पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है, देखो टोटल वाटर टेबल कहाँ पर था, 4 मीटर पर था, तो दिस पोर्शन इज ए, दिस पोर्शन इज बी। तो यहाँ पर हमारे पास जो इफेक्ट जिसकी मैं बी की बात करने वाला हूँ, बी क्या, दैट इज़ इक्वल्स टू 1.2। तो जब आप 4 में से 1.2 रिड्यूस कर दोगे तो आपके पास जो गैप बचेगा 2.8, ये वाला क्या बचेगा, 2.8 बचेगा, जो कि क्या है, कम्प्लीटली ड्राई है। तो बी पोर्शन की हम बात करें दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, वहाँ पर 2.8 हो गया। तो टोटल स्ट्रेस कितनी होगी, जो उसकी हाइट है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2.8, एंड उसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.656। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे वो कितना आ जाएगा, 4.6368 टन पर मीटर स्क्वायर।
अब देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वाले क्वेश्चन की है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैपिलरी इफेक्ट से आपका बहुत सारा चेंजेस होने वाला है, तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर क्या होगा। देखो जनरली आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो इफेक्टिव स्ट्रेस है इस वाले पोर्शन में क्यों इफेक्ट करेगा। अरे इफेक्ट करेगा क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, वाटर टेबल से नीचे की तरफ वो पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर वाटर को खींचा जा रहा है ड्यू टू कैपिलरी इफेक्ट तो वो नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा, तो यहाँ पर पो वाटर प्रेशर इस वाले पोर्शन पर वो नेगेटिव इफेक्ट अपना क्रिएट करेगी। तो माइनस एच सी, हाइट ऑफ कैपिलरी कितना है 1.2, और डेंसिटी क्या होती है वाटर की 1 होती है, 1 ग्राम पर सीसी। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू कोड द आंसर विद नेगेटिव साइन। ये ही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज करते हैं, 1.2 टन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम सिग्मा बार की वैल्यू निकालेंगे, सिग्मा बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। सिग्मा बार इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, सिग्मा माइनस यू होता है, तो यू की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी गोट द वैल्यू ऑफ सिग्मा बार इज इक्वल टू 5.83 टन पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो हम कहाँ तक आ चुके हैं, हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है ए पोर्शन तक, ये वाला बी पोर्शन तक हम लोग आ चुके हैं। अब बात करते हैं सी पोर्शन की, तो सी पोर्शन टोटल जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, 4 हो जाएगा। अब देखो सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 2.8, ये वाला पोर्शन है, 2.8 के साथ हमारे पास क्या है गामा डी, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.656। अब उसके बाद 1.2 हमारे पास क्या है गामा टी, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.843। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी टिल दैट पॉइंट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, अब देखो जनरली अगर कैपिलरी इफेक्ट नहीं होता तो यहाँ पर वैल्यू जो होगी पोर वाटर प्रेशर क्या होगी, 0, क्योंकि द इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल क्रिएटिंग इन डाउनवर्ड साइड, ये जो इफेक्ट अभी हमने लिया था ड्यू टू द इफेक्ट ओनली कैपिलरी राइज, बट यहाँ पर क्या होगा कैपिलरी राइज का इफेक्ट हम कंसिडर कर चुके हैं, अगेन इस वाले पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ पोर वाटर प्रेशर इज 0, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा माइनस यू, तो सिग्मा हम निकाल चुके हैं 6.484 माइनस 0, तो यू गोट द सेम वैल्यू ओवर हियर। अब डी पॉइंट की अगर बात करते हो, डी पॉइंट अब हम लास्ट वाले पॉइंट पर आ गए, तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा 7 होगा। तो अब देखो सिग्मा जो टोटल स्ट्रेस है वो तीनों का इफेक्ट कंसिडर करेगा, गामा डी का, गामा टी एंड गामा सैचुरेटेड। तो गामा टी जो है, गामा डी कितने डिस्टेंस के लिए है 2.8, एंड गामा डी जो है जो कि कैपिलरी वाला पोर्शन था वो 1.2 मीटर के लिए है, एंड लास्ट जो पोर्शन बचा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय। देखो यहाँ पर जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, गामा समर्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं। देखो गामा समर्स जनरली होता क्या है, अगर इस वाले क्वेश्चन को हम कंपेरिजन करते हैं रिटेनिंग वॉल में जो एक्टिव अर्थ प्रेस वाला कॉन्सेप्ट था, वहाँ पर जनरली अगर वाटर इफेक्ट आ जाता है तो हम गामा समर्स यूज़ करते हैं, सोइल के इफेक्ट जब कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पर हम टोटल स्ट्रेस निकाले तो टोटल स्ट्रेस वो सोइल का इफेक्ट कंसिडर करेगा। तो सोइल है, सोइल की जो गामा टी है, सॉरी गामा सेचुरेशन वो कितना है 2.031। तो प्लीज़ टू एनश्योर दिस, ये गलती मत कर लेना, यहाँ पर गामा समर्स नहीं गामा सेचुरेटेड ही यूज़ करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे सिग्मा की वैल्यू 12.94 टन पर मीटर स्क्वायर। तो यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप देखो पोर वाटर प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, देखो पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा, कैसे, यहाँ पर हमारे पास वाटर टेबल है, कितनी गैप है उसका 3 मीटर, तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ वाटर ओनली, तो 3 मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू क्या होगा 1 होगा, दैट इज इक्वल टू 3 टन पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा बार आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यू गोट 9.94 टन पर मीटर स्क्वायर। कहीं देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी आप कह सकते हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल आप कह सकते हो, बट अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो कि सर इस वाले पॉइंट पर डाउट आ रहा है। मैं अगेन से, हो सकता है अगर आपको समझ में नहीं आया है, मैं फिर आपको वीडियो बनाकर फिर से बताने की कोशिश करूँगा, राइट। चलो अब देखो फाइनली जो हमें प्लॉट करना है, प्लॉटिंग करनी है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप देख सकते हो। देखो फर्स्ट मैंने प्लॉटिंग करी है किसकी, टोटल स्ट्रेस। देखो टोटल स्ट्रेस ए पॉइंट पर कितना था, 0 था। बी पॉइंट पर कितना था, बी पॉइंट पर इसकी वैल्यू थी 4.63। सी पॉइंट पर इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, दैट इज इक्वल टू 6.84। एंड डी पॉइंट पर कितनी वैल्यू आई है उसकी, 12.94। अब हम क्या करेंगे, इन वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। देखो सारी वैल्यू, ये मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो पॉजिटिव साइड सारे मैंने पॉइंट को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सो दिस वन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल स्ट्रेस। देखो इसको स्केलिंग से नहीं बनाना है, एक रफली डायग्राम आपको बनाकर देना है ओनली। आपका भी इसको स्केल से ड्रॉ करने लगो, दिस वन इज 4 पॉइंट, दिस वन इज 6, तो डोंट नीड टू ट्राई दिस, कि आपका इससे ही, आपका रफली डायग्राम से ही काम चल जाएगा,
क्लियर माई पॉइंट? चलो अब हम बात करते हैं पो वाटर प्रेशर। देखो पो वाटर प्रेशर का जो डायग्राम होगा यहाँ पर दिस वन, देखो ए पॉइंट पर कोई वाटर का इफेक्ट नहीं है, जीरो होगा। बी पॉइंट पर अगर आते हैं तो नेगेटिव वहाँ पर था, तो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, 1.2। अगेन सी पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, जीरो आ रही थी। डी पॉइंट पर कितनी आ रही थी, 3.10 पर मीटर स्क्वायर। तो इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया एंड देन ज्वाइन टू द दिस पॉइंट। तो दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द पो वाटर प्रेशर। नेक्स्ट एंड लास्ट ये हमारे पास किसके लिए है, सिग्मा बार के लिए है। तो ए पॉइंट पर इसकी वैल्यू कितनी थी, जीरो थी। बी पॉइंट पर कितना था, 5.836 एंड थ्री पॉइंट पर कितना है, 6.848 एंड लास्ट डी पॉइंट पर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9.94। तो अब ये सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। सो दिस वन इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ए प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ स्ट्रेसेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, टोटल स्ट्रेस, पो वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। सो थैंक यू सो मच गाइज टू सी दिस वीडियो टिल नाउ एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो मैक्स टू मैक्स पीपल। देखो लास्ट मोमेंट चल रहा है, जिससे कि ये क्वेश्चन देखकर जो भी बच्चा जिसका डाउट है प्लीज़ क्लियर हो जाए। एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू स्टूडेंट ओवर हेयर, न्यू कैंडिडेट ओवर हेयर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइस मिलते हैं। नहीं देखो आपका पहले तो ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में, कि आपको कोई लग रहा है कोई डाउट है तो उसको भी बताइए। वीडियो का आपको अपना व्यू देख कर सकते हो कि सर इस वीडियो में थोड़ा सा ये आप इस वाले पॉइंट को और अच्छे से बताइए, तो उस पर मैं वर्कआउट करूँगा, राइट। एंड देन अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे वीडियो आपको आप कोई फोटो सेंड करके मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो आप लोग की सेंड कर दूंगा वाया टेलीग्राम वाया व्हाट्सएप। मुझे वो आप फोटो सेंड कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट के लिए। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।